तो मुझे भारत रत्न चाहिए, मुझे भारत रत्न चाहिए, मुझे भारत रत्न चाहिए। और जो भी मुझे शक्तियाँ मिली थी वो भी भगवान से मैंने कहा कि हे प्रभु आप ले लीजिए और मुझे तब दीजिएगा जब मुझे आवश्यकता होगी। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक पत्र बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। इस पत्र में भारत रत्न की मांग की जा रही है। भारत रत्न की मांग करने वाले ये विनोद गौर जी हैं और ये एक संत भी हैं। ये महाराज आशुतोष के शिष्य भी हैं। आपको बता दें कि इनको एक सपना आया था और सपना आने के दौरान इनके सपने में जो चीज़ें आई थी वो ये थी कि इन्हें भारत रत्न चाहिए। और ये सपना एक दो बार नहीं बल्कि कई बार आया। और जब से सपना आया है तब से इन्होंने पत्र पर ये पत्र लिखा है और यहाँ के जिला अधिकारी और तमाम अधिकारियों को इन्होंने ये पत्र पहुँचाया है। काफ़ी जगह इनका ये पत्र वायरल भी हो रहा है। अब जिनसे ही जानना है कि इनको सपना क्या आया था और इस सपने को लेकर इनका क्या विचार है और ये कहाँ कहाँ जा चुके हैं और ये पत्र कहाँ कहाँ जा चुका है। और सबसे पहले ये सवाल है कि भारत रत्न की मांग करना ये वाकई सोचने वाली बात है। तो इन्हीं से बातचीत करते इन्हीं से सारी बातें जानते हैं कि एक आम आदमी चूँकि विनोद गौर जी हैं और ये सपने के जरिए कह रहे हैं कि इन्हें भारत रत्न चाहिए, तो चलिए इनसे ही सारी चीज़ें पूछते हैं आखिर क्यों चाहिए, कैसे चाहिए, जो भी चीज़ें हैं इन्हीं से बातचीत करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी। जी आपको भारत रत्न का सपना आया ये कैसे कब क्या हुआ बताइए? 31/9/2023 को मैं ध्यान साधना में बैठा था। पहले तो मैं चार बजे से 5:15 बजे तक जो है कि गीता का पाठ किया। उसके बाद मैं ध्यान साधना में बैठा और ध्यान साधना में बैठने के तुरंत कुछ देर के बाद जो है कि मेरे अंतर से जो है कि बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आने लगी कि मुझे भारत रत्न चाहिए, मुझे भारत रत्न चाहिए, मुझे भारत रत्न चाहिए। और इतना तेज आवाज़ जो है कि आया तो मैं व्यथित हो गया। फिर मेरा ध्यान साधना टूट गया और मैं जो है कि बेचैन हो गया। फिर मैं भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु मुझे भारत रत्न कैसे मिलेगा। तो फिर मैं ध्यान साधना में बैठा, फिर उन्होंने चार स्थान बताए कि चार स्थान जाएंगे तो जो है कि मेरा काम बन जाएगा। तो पहला स्थान जो है कि एसआई रामजी गुप्ता चौकी पैडलेगंज, उनके पास जाएंगे और अपनी जो है कि अनुभव के बारे में बताएंगे तो वो आप हमारी बातें सुन के ऊपर अधिकारियों को पहुंचाएंगे तो हमारी बात जो है कि पूर्ण हो जाएगी, मिल जाएगा हमको। और वहाँ से नहीं अगर होगा तो फिर या सचो कैंट के पास जाएंगे और उनसे अपनी बातें शेयर करेंगे और वो हमारी बातें अगर आगे अधिकारियों तक पहुंचाएंगे तब भी मुझे मिल तो जाएगा। ये सब आपको भगवान ने संकेत दिया? हाँ, अनुभव में ही हमको संकेत दिया। अच्छा, और यदि वहाँ नहीं हो पाता है तो फिर जो है कि सांसद रवि किशन के पास जाएंगे और उनसे मैं अपनी बातें शेयर करूँगा और वो हमारी बातें सुन के भारत सरकार तक हमारी बातें पहुंचाएंगे तो हमको भारत रत्न मिल जाएगा। और यदि वहाँ नहीं हो पाया तो फिर कमिश्नर गोरखपुर मंडल उनके पास जाऊंगा, फिर वहाँ से मेरा जो है कि वो हमारी बातें भारत सरकार तक पहुंचाएंगे तो हमको भारत रत्न मिल जाएगा। अच्छा, तो अभी क्या है, मतलब सुन लिया गया है आपकी बातें? जी, मेरी बातें कमिश्नर साहब ने सुन लिया है। अच्छा। पहले तो मैं एसआई रामजी गुप्ता के पास गया था। अच्छा। परंतु उन्होंने बड़ी शालीनता से कहा कि विनोद भारत रत्न का वाला हो, भारत रत्न कौन है, चिड़िया का नाम है। अच्छा। तो फिर उसके बाद मैं समझ गया कि ये टालने के मूड से बातें कर रहे हैं। अच्छा। तो फिर उसके बाद जो है कि वहाँ पे एक साहब और बैठे थे, जब कोई प्रतिक्रिया नहीं हुआ तो फिर उसके बाद जो है कि हम जो है कि तभी उनके पास मोबाइल पे फ़ोन आ गया, वो अंदर चेंबर में चले गए और हम बाहर चले आए। अच्छा। फिर हमको लगा कि अब हमको सांसद रवि किशन जी से मिलना चाहिए, लेकिन हमको तो जानते नहीं हैं, पता नहीं वो घुसने कोई घुसने दे घर में या ना घुसने दे, हमसे बात करें या ना करें। और आश्रम पे जाते हैं, आश्रम पे स्वामी जी लोग उनसे मिलते रहते हैं तो उनके पास जाएंगे, वो लोग हमसे मिलवा देंगे, बात करवा देंगे तो हमारी बातें हो जाएगी। अच्छा। तो वहाँ पर पहुँचे तो सत्संग चल रहा था, सत्संग का अंतिम भजन चल रहा था। रवि किशन पहुँचे? हाँ। रवि किशन जी के पास नहीं। हाँ। हम आश्रम में पहुँचे, आश्रम पहुँचे ताकि हम स्वामी जी के बताएंगे अपने अनुभव के बारे में और वो हमको जो है कि रवि किशन जी से मिलवाएंगे। परंतु बताने के बाद स्वामी प्रभुतानंद जी कहा कि आपका अनुभव तो बहुत अच्छा है, जो है कि विचारणीय है। और तभी जो है कि स्वामी विश्वरूपानंद जी थे, वो भी मंचासीन थे, उन्होंने कहा पीठ थपथपाते हुए कि बहुत अच्छा, कोई बात नहीं, भारत रत्न तो सभी खिलाड़ियों को भारत सरकार दे रही है तो इसमें कोई दो राय नहीं है, आपको भी दिया जाएगा, मिल जाएगा।
और जो है कि आप तो महाराज के रत्न ही हैं, तो आपको भारत रत्न की क्या आवश्यकता है। अच्छा, तब फिर उसके बाद जो है कि हमने कहा कि हम तो ये इस धारणा से आए थे कि आप लोग हमारी बातें सांसद रवि किशन जी से करवाएंगे तो हमको जो है कि भारत रत्न मिल जाएगा। लेकिन सुने और जो है कि ज़्यादा उसमें रुचि नहीं दिखाए। फिर उसके बाद हम बाहर वहाँ से निकले, फिर एक पांडे जी थे, पांडे जी से अपनी बातें कही तो उन्होंने कहा कि जो है कि हमने जहाँ तक सुना है कि भारत रत्न उसे दिया जाता है जो समाज में उत्कृष्ट कार्य करता हो। हाँ। आपने ऐसा क्या कार्य किया? मेरा सवाल भी अभी आपसे यही था कि हाँ। आपने ऐसा कोई कार्य किया ही होगा कि बोले, तो आपने ऐसा क्या किया है? हमने तो ऐसे बहुत सारे कार्य किए हैं जो धीरे धीरे आपको सब कुछ सारे प्रश्नों का उत्तर आपको मिलेगा। तो जो है कि एक बार क्या कहते हैं, केंद्रीय सचिव आए थे हरिओम नगर में जब हम काम करते थे, तो उस समय आए थे तो उन्होंने कहा, जब हमारी बातें सुनी तो इतने प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा कि आप जैसा प्रतिभा के धनी मैंने पहली बार देखा है, ऐसा आदमी मैंने कहीं नहीं देखा है, आपको तो हमारे साथ केंद्र में होना चाहिए। तो उस समय हमने कहा कि अभी भगवान की आज्ञा नहीं है इसलिए मैं आपके साथ नहीं जा सकता, हाँ आपने मेरे हित की बात कही है तो इसलिए जाइए, आज के बाद केंद्र में राजा वही होगा जो उत्तम कोटि का होगा, जो समस्त संसार का कल्याण करेगा। अच्छा, ये किसने बोला? ये मैंने बोला। आपने बोला? ये मैंने कहा उस समय। अच्छा, 2013 में। अच्छा, किसे कहा था आपने? केंद्रीय सचिव आए थे। अच्छा, केंद्रीय सचिव को आपने बोला था? हाँ, केंद्रीय अच्छा, सचिव आए थे। अच्छा, तो उनसे ये बात मैंने कही थी, अब उनका नाम तो मैं नहीं जानता। अच्छा, अब तो मतलब केंद्रीय सचिव आए थे और उन्हें आपने बोला था कि आपका उच्च कोटि का हाँ नाम होगा। हाँ, आज अच्छा, के बाद केंद्र में वही राजा होगा जो उत्तम कोटि का होगा, जो समस्त संसार का कल्याण करेगा। अच्छा, मतलब आप संत तो हैं ही और आप जो बोलते हैं वो आपकी बात सत्य होती है, ऐसा आपका कहना है? जी, मतलब जो भी उस समय, इस समय चक्र का चलता है ना। हाँ हाँ, कुछ समय का चक्र ऐसा चला कि हमारा जो है कि वो ज्ञान ध्यान साधना अच्छा, का कुछ ऐसा चक्र चला कि लोगों को मेरे ज्ञान से ध्यान से शक्तियाँ से ईर्ष्या होने लगी। अच्छा, तो फिर जो है कि उन्होंने हमसे पूछने लगे कि आपको इतनी शक्तियाँ कैसे आती हैं। अच्छा, मेरी मैडम जहाँ पे हम काम करते थे। अच्छा, तो हमने कहा कि ध्यान साधना से, सत्संग से, अच्छा, सेवा से, सुमिरन से, इसी से मेरी सारी शक्तियाँ आती हैं। कितने वर्षों से साधना कर रहे हैं आप? वैसे तो मुझे ज्ञान दीक्षा 2012 26 जनवरी को मिला था। अच्छा, तो तभी से मैं ज्ञान दीक्षा प्राप्त किया था और ध्यान साधना कर रहा था। तो आपने परिवार का त्याग कर दिया है कि परिवार के साथ ही रहते हैं? त्याग का मतलब यह नहीं कि परिवार का त्याग करना है, त्याग का मतलब यह होता है कि अपने अहंकार का त्याग करना, अपने अंदर जो छुपे हुए बुराइयां हैं, अहंकार हैं, दुर्गुण हैं, उसे समाप्त करना, उसका त्याग करना, न कि परिवार का त्याग करना। अच्छा, तो यानी जो आपने केंद्रीय सचिव को बोला था कि आप उच्च कोटि के पद पे विराजमान होंगे, उनको नहीं बोला था। अच्छा, हमने ये कहा था कि आपने हमारे हित की बात कही है इसलिए जाइए, आपका हम जो है कि वो समझ गए हैं। हाँ। आप भारत सरकार की तरफ से जो सूचना लेकर के आए थे। हाँ। मैं समझ गया। हाँ। आप जाइए, आज के बाद हाँ, केंद्र में वह राजा होगा हाँ, जो उत्तम कोटि का होगा। अच्छा, जो समस्त संसार का कल्याण करेगा। तो आपकी नज़र में कौन है वो राजा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अच्छा, नरेंद्र मोदी। चहूं और जय जय जयकार हो रही है। जय जयकार हो रही है जी। तो अभी आपने मेरे इस उत्तर प्रश्न का जवाब नहीं दिया कि भारत रत्न चूंकि किसी विशेष कार्य के लिए मिलता है, आपने ऐसा कौन सा कार्य किया है कि जिससे आप ये मतलब सरकार से उम्मीद करते हैं कि वो आपको भारत रत्न दे? जी देखिए, संत का, संत जो है कि प्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं होता, न होते हुए भी अपना कार्य कर जाता है, वो अप्रत्यक्ष रूप में ही अपना कार्य कर जाता है। अच्छा, कहने का तात्पर्य है कि हजारों मीलों दूर वो बैठा है, लेकिन अगर कोई कार्य है जो ईश्वरीय शक्ति से वो आवश्यक है तो कर जाता है। आपने कुछ किया है ऐसा? ऐसा तो मैंने बहुत बार किया है। कोई एक दो बार बताइए। जो जरूर बताऊंगा। हाँ। देखिए, जब मैं पढ़ रहा था तो उस समय जो है कि क्या कहते हैं, मीराबाई का जो पद मैंने पढ़ा था। अच्छा, तो उसमें लिखा था मीराबाई ने कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। फिर मैं उसको कई बार पढ़ा, बहुत आनंद आया, आनंद आता ही जा रहा था।
फिर उसके बाद कई बार पढ़ा और पढ़ते पढ़ते बोर हो गया। अच्छा। फिर मैंने कहा हे परमपिता परमेश्वर हम पे कृपा कीजिए। अच्छा। मीरा को क्या हो गया, कैसे कैसे भजन गाती रहती है। अच्छा, आपने मीरा के जो लिखा हुआ था पूरे किताब में आप उसी को बोल दिया। उसी को बोल। हाँ। फिर उसके बाद जो है कि क्या हुआ कि ये 1997 की बात है। हाँ। 97 कक्षा 7 की बात है। अच्छा, कक्षा 7 की बात है। कक्षा 7 में जब मैं था तब ये पद मैंने पढ़ा था। अच्छा। तो उस समय की ये घटना, ये चर्चा मैं बता रहा हूँ। अच्छा, अभी इस बीच अंतराल की आप घटना बताइए, जब से आप संत वो सन्यासी हुए हैं चीजें के, इस बीच आपने कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिससे आपको लगे कि हाँ हम सरकार को ये चीज बता सकते हैं। देखिए, कार्य तो हमने अप्रत्यक्ष रूप में बहुत से ऐसे किए हैं, लेकिन वो क्या है ना कि अनुभव तो बहुत सारे आए हैं, उसका सही भाव क्या ऊपर आएगा वो जो है कि प्रश्न है। अच्छा। हाँ, तो जब सही भाव उत्पन्न हो तब बताया जाए तो अच्छी बात है। अच्छा। और ना आए तो जो है कि सही बात का भी अर्थ का वो अनर्थ हो जाता है। परिवार में कौन कौन है आपके परिवार? परिवार में मेरे दो बच्चे हैं। अच्छा, शादी कर लिया है आपने, शादीशुदा हैं? शादी। अच्छा, अच्छा, मतलब आपकी पत्नी का कोई इस पे वो नहीं रहा कि आप जिस तरीके से भारत रत्न की मांग कर रहे हैं, आपकी पत्नी कितना आपका साथ दी है इसमें? मेरे पत्नी और बच्चों का कोई साथ नहीं रहा है। अच्छा, क्यों? उनको आर्थिक स्थिति से जो है कि बहुत वो था। अच्छा। तो नहीं चाहते थे कि वो हम ज़्यादा भक्ति भजन में रहें, रमे रहें। अच्छा। वो तो ये चाहते थे कि सारा भक्ति भजन छोड़ के हम इसी में लगे रहें। अच्छा। हमने उनका भी साथ दिया। अच्छा। मैं जानता था। अच्छा। कि जो आप लोग चाहते हैं वही मैं करूँगा, वो भी मैंने किया, सारा भक्ति त्याग दिया। और जो भी मुझे शक्तियाँ मिली थी वो भी भगवान से मैंने कहा कि हे प्रभु आप ले लीजिए और मुझे तब दीजिएगा जब मुझे आवश्यकता होगी। अच्छा, भगवान ने आपकी शक्ति भी ले ली, मतलब भगवान ने इससे पहले आपको शक्ति दी थी? दी थी। अच्छा। हमको जब ज्ञान दीक्षा मिला था। हाँ। 2012 में। हाँ। तो हम जो है कि अच्छा, कैसे अनुभव हुआ कि आपको ज्ञान दीक्षा सब मिल गई है, कैसे वो, मतलब उस दिन के बारे में बताइए कि आपको ऐसा कब लगा कि आपको ज्ञान मिल गया है, आपको दीक्षा मिल गई है? ज्ञान दीक्षा तो 26 जनवरी 2012 को हमको मिला था। अच्छा। और ये क्या कहते हैं, महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में भागवत कथा हो रही थी। अच्छा। तो उस दौरान जो है कि मैं गया था। हाँ। और मेरे मन में एक प्रश्न था। अच्छा। जिसका प्रश्न उत्तर कोई नहीं दे पा रहा था। मेरे मन में प्रश्न यही था कि भगवान होते हैं? तो जो कहता था कि हाँ, तो हम कहते थे कि दिखाओ, जब कोई नहीं दिखाए तो हमने कहा कि आप कैसे कह दिए, आपका इतना हिम्मत कैसे हुआ कि आपने कह दिया। अच्छा। अगर आपने कहा है तो मुझे दिखाइए। इसी प्रश्न का उत्तर मैं दिल्ली में था, दिल्ली से व्यथित होते हुए मैं गोरखपुर में आया। अच्छा। और गोरखपुर में जब भागवत कथा हुआ, मेरे कानों में उसके जो रेडियो था। हाँ। आवाज़ जब पहुँचा, ढूंढते हाँ। ढूंढते जब पहुँचा। हाँ। तो मंचा सिंह वैष्णवी भारती जी थी। हाँ। तो मैंने कहा मैं जो है कि कथा नहीं सुनूंगा। हाँ। पहले मेरे प्रश्न का उत्तर चाहिए, अगर मेरे प्रश्न का उत्तर मिला तो मैं कथा सुनूंगा, अन्यथा नहीं सुनूंगा। अच्छा। फिर उसके बाद जो है कि मैंने देखा कोई तो होगा, अगर भगवान ने मुझे यहाँ बुलाया है तो कोई तो होगा जो मेरे प्रश्न का उत्तर देगा। तो वहाँ पर जो है कि एक बहन थी, तो उन्होंने कहा कि जिस किसी के मन में कोई भी प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, जो आज तक किसी ने नहीं दिया हो, वो आके हमसे पूछ सकता है। तो उसी घटना के दौरान आपको ज्ञान प्राप्ति मिल गई थी? घटना तो जो है कि 2012 में हमको ज्ञान दीक्षा प्राप्त हुआ था। अच्छा। और जो मैं बता रहा हूँ। हाँ। तो वो घटना तो क्या कहते हैं 1997 की है, जब मैं कक्षा 7 में पढ़ रहा था। अच्छा, मतलब बचपन से ही आप अध्यात्म से जुड़ गए थे? अध्यात्म से जुड़े नहीं थे। हाँ। लेकिन हमको भगवान में विश्वास था। अच्छा। सिर्फ और सिर्फ भगवान में। अच्छा। क्योंकि कभी अभी तो आपने बोला कि भगवान में विश्वास नहीं था, फिर अचानक से? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। भगवान में विश्वास था। हाँ। लेकिन हम भक्ति से, ज्ञान मार्ग से हम तब जुड़े। हाँ। जब जो है कि क्या कहते हैं 2012 में जब हमको ज्ञान दीक्षा प्राप्त हो गया, तब हमको दिल्ली में थे, तो दिल्ली में हमको ऐसा तो अभी आपकी बीवी बच्चे सब आपके साथ रहते हैं? हाँ, साथ में रहते हैं, पैडलीगंज कालेपुर। तो जब आपने भारत रत्न की मांग की तो उन लोगों का क्या था? उनको तो जो है कि उपहास की दृष्टि से वो लोग मुझे भी विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने कहा अच्छा, आपके परिवार में लोग उपहास करते हैं आपका? हाँ, कि ये तो सब लोग पागल पागल कहते हैं, तो आप तो जो है कि
मतलब आपकी ही बीवी बच्चे आपको पागल कहते हैं, विश्वास नहीं है तो फिर उनका जो है तो वो अपने हिसाब से चलते हैं, अगर हमारे हिसाब से चलते तो हमारे पास हमारी बातों को अनुसरण करते। अच्छा, तो जब पत्नी का भी आपका कोई सहयोग नहीं है? नहीं, इसमें नहीं, वो तो ये चाहती है कि मैं ये सारा ज्ञान ध्यान छोड़ के फिर गृहस्थ में ही लगा रहूं, लेकिन मैंने देखा कि गृहस्थ आश्रम में जो भी परेशानियां आती हैं वो मनुष्य उसको काट नहीं पाता है। अच्छा, और जब भगवान के चरणों में रहता है, अच्छा, उनकी भक्ति करता है, तो जो भी समस्या आती है उसका समाधान आदमी आसानी से कर लेता है। तो मतलब आपका ये कहना है कि आप अप्रत्यक्ष रूप से सब चीज़ें करते हैं, इसलिए आपको भारत रत्न चाहिए। मतलब आप कई ऐसे कार्य कर चुके हैं अप्रत्यक्ष रूप में, इसीलिए आपको भारत रत्न चाहिए। भारत रत्न तो मैंने, वो तो ईश्वर की लीला है। हाँ। कौन सी सेवा कब प्रदान कर दे वो तो वो जानते हैं, क्योंकि जब भी भगवान सपना तो आपको आया था ना। हाँ, सपना तो मुझे ही आया था, क्योंकि मैं जो है कि ध्यान साधना में बैठा था और अंदर से इतना जोर जोर से आवाजें आई कि मुझे भारत रत्न चाहिए, मुझे भारत रत्न चाहिए, मुझे भारत रत्न चाहिए। तो अभी सरकार की तरफ से या यहाँ जिलाधिकारी ने आपसे क्या आपको आश्वासन दिया है, क्या कहाँ तक पहुँचा है आपका ये प्रक्रिया? ये मैंने कमिश्नर साहब को पत्र दिया था, प्रार्थना पत्र, पत्र दिया था ना आपने? जी, तो वहाँ से उन्होंने डीएम साहब को फॉरवर्ड किया और डीएम साहब ने मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड किया और मजिस्ट्रेट साहब ने तहसील में और तहसील से जो है कि लेखपाल के पास आया। तो क्या आपको क्या बोला गया है कि? उन्होंने बोला कि ये प्रक्रिया जो है कि आगे प्रोसेस है और मुझे लगता है कि 8-10 दिन में या जो भी हो ईश्वर की कृपा, आपको उम्मीद है कि आपको भारत रत्न मिलेगा? 100% उम्मीद है कि मुझे भारत रत्न मिलेगा, क्योंकि जो है कि ईश्वर की लीला ईश्वरी जाने। अच्छा। क्योंकि गुरु महाराज मेरी मनोकामना पूर्ण करने के लिए समाधि में गए हुए हैं। अच्छा। क्योंकि मेरी बचपन की मनोकामना थी, गुरु आशुतोष महाराज, आशुतोष महाराज वो आपके गुरु हैं जी। अच्छा, उनसे मैंने ज्ञान दीक्षा प्राप्त किया है। अच्छा, कि जब तक भारत पूरी दुनिया का मालिक नहीं हो जाएगा। अच्छा। तब तक मेरे गुरु महाराज समाधि से वापस नहीं आएंगे, और आएंगे तब जब भारत सोने का चिड़िया हो जाएगा, अन्यथा कभी नहीं। अच्छा, तो वो अभी समाधि में ही है। ये हमारी अपनी अपनी। अच्छा, तो यही यही आपके ये हमारे गुरु महाराज हैं। हाँ, थोड़ा दिखाइएगा जिनको हमने लॉकेट में। ये आपके गुरु महाराज जी हैं और यही समाधि में गए हैं। हाँ, इस समाधि में गए हैं। अच्छा, तो आप इन्हीं के शिष्य हैं और आप इन्हीं के उस पे कदमों पर चल रहे हैं जिनको हमने लॉकेट में धारण किया हुआ है। अच्छा, तो मतलब अब आपका यही है कि जल्द से जल्द आपको भारत रत्न मिल जाए जी और सारी चीजें हो जाए। तो हमारे साथ विनोद गौड़ जी थे जो कि गोरखपुर के रहने वाले हैं, और इन्होंने बताया कि इन्हें सपना आया था कि इन्हें भारत रत्न चाहिए। ये एक संत भी हैं और साधना के दौरान इनके साथ ये सारी चीजें हुई थी, और जब से इन्होंने ये पत्र लिखा है तब से ये हर जगह पत्र वायरल हो रहा है कि इन्होंने अचानक से सपने के दौरान ही सरकार से भारत रत्न की मांग करने लगे हैं। अब देखना यही है कि इन्हें भारत रत्न मिलता है या नहीं, सरकार का इस पर क्या विचार होता है ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल ये विनोद गौड़ जी थे जिन्होंने भारत रत्न की मांग की है, इनसे हमने बातचीत की और बातचीत के दौरान हमने आपको सारी चीजें बताई है। फिलहाल आपका इस विषय पर क्या सोचना आप मुझे कमेंट कर बताइए, साथ ही विनोद गौड़ के बारे में आपको जानकर कैसा लगा आप ये भी मुझे कमेंट कर बताइएगा। मेरा नाम शिखा है और आप यूथ नेशन देख रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद।